जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान, मैं हूं आज किसान कार्यशाला में राजस्थान में। एक परिचय लेंगे छोटा सा किसान भाइयों से। यहां पे अनार की खेती बहुत बड़े क्षेत्र में होती है, लेकिन बात वही बनी हुई है कि एक किसान के पास बकरी थी, कंधे पे लेके जा रहा था, चार ठग मिले और उस बकरी को उन्होंने कुत्ता साबित कर दिया और बकरी उसके हाथ से निकलवा दी। यहाँ अनार की इतनी स्थिति है, अनार जैसी एक सिंपल फसल जिसमें केवल थोड़े से कांटे, कम पानी चाहने वाली, कम न्यूट्रिशन चाहने वाली फसल है और बहुत अच्छा उत्पादन देती है, उसको इतना घुमा दिया गया है किसान को कि किसान की समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं इस फसल को कंटिन्यू करूं या निकाल के फेंक दूं। अलग अलग कंपनियां, अलग अलग तरीके के डॉक्टर, अलग अलग बड़े बड़े इमारती यहाँ आते हैं और उम्मीद जगाते हैं किसानों को कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जहाँ तक मैंने अभी तक प्रैक्टिकल देखा है, किसान की हालत भयंकर त्रस्त है और ये बुरी तरीके से दुखी और परेशान है। तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ चीज़ों को कुछ लोगों ने फॉलो किया, उनको कुछ फर्क पड़ा तो उन्होंने फिर बुलाया, तो हमें लगा चलो एक बार चलकर राजस्थान में भी किसान कार्यशाला लगाई जाएं। काफ़ी समय से लोग बुला रहे थे लेकिन मौका नहीं पड़ रहा था। पूरे भारत में घूमना होता है, उतना समय मिलता नहीं है कि हर जगह पे आप जा सकें, तो जहाँ पे लोग सम्मान से बुलाएं वहाँ जाओ, अपने पास जो है वो खाली करो और आ जाओ। उस चर्चा में आगे बढ़ते हैं और एक परिचय लेने के बाद फिर अपना किसान कार्यशाला शुरू करते हैं। नमस्ते जी, आप सॉरी मैं लगा दूँगा आपको एक परिचय दीजिए। उत्तम सिंह राजपुरोहित है, मेरा गांव बैरानाड़ी है, पंचायत समिति सिवाना, जिला बालोतरा है। मैं पैसे से अध्यापक हूं, आज रविवार होने के कारण मैंने भी सुना यहाँ एक मतलब अनार के अच्छे मतलब वैज्ञानिक जानकार तो हमारे को मतलब कुछ अनार के बारे में जानकारी देंगे, तो मैं भी ये सुनने के लिए आ गया हूं और विस्तृत जानकारी मैं इनसे जानूंगा और उनके बारे में जैसे भी ये बताएंगे वो फिर मेरे अनार के खेती में मैं काम दूंगा। धन्यवाद। आप मैं भी एक छोटा सा परिचय दे दूं। जय हिंद सभी को, मेरा नाम राहुल जवान है। जवान इसलिए क्योंकि मैं भारतीय सेना से आता हूं, 18 साल मैंने सेवाएं दी हैं। 2002 में मैं सेना में भर्ती हुआ था। 2012 के दौरान जब किसानों ने आत्महत्याएं शुरू की तो हम सीधी सी बात है एक बड़े सामान्य से किसान के बच्चे हैं। बिजनौर मेरा जिला पड़ता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, एक जाट परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। तो 2012 के दौरान जब किसानों ने आत्महत्याएं शुरू की तो मन विचलित हुआ हमारा भी कि यार किसान तो आत्महत्या नहीं करना चाहिए, तो मन में आया कि किसान के लिए कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन एक 12वीं पास बच्चा और वो भी इतने छोटे घर से, वो क्या बड़े लेवल पे कर सकता है किसानों के लिए? उसके लिए तो हमने सुना था कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी या बहुत सारे लोग आपको फॉलो करने चाहिए। मंच पर बोलने की, सामने बोलने की एक हिम्मत नहीं थी चार लोगों में, तो मंच पर कैसे बोलें? खैर, वो एक कहावत है कि जब आप कोई काम करते हैं तो पूरा संसार उसको करने में आपकी मदद करता है। वहाँ से उस जगह में गए, उन क्षेत्रों में जैसे आज आपकी स्थिति है ऐसे ही गए और पता किया, तो लोगों में जब सारी बातों का निचोड़ निकाला तो पता चला कि जागरूकता नहीं है। तो उस दिन एक प्रण लिया कि सारा जीवन किसानों को निशुल्क जागरूक करूंगा, बिना कोई पैसा लिए किसी से, बिना कोई लालच दिए, और कैसे करूंगा ये नहीं पता था। आगे बढ़ते गए बढ़ते गए, सबसे पहले खेती सीखना शुरू किया क्योंकि खेती का खै भी नहीं आता था। 16.5 साल 17 साल के भर्ती हो गए थे, इतना छोटा बच्चा क्या खेती सीखेगा। खेती सीखी, काफ़ी कुछ उसमें पैसा भी इन्वेस्ट हुआ, इन्वेस्ट किया वो समझिए कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा रकम मैंने अपने खेती सीखने के ऊपर बर्बाद की है। प्रैक्टिकलों में ऐसा कोई उल्टा और सीधा प्रैक्टिकल नहीं है जो मैंने ऑर्गेनिक किया उसमें नहीं किया है केमिकल में। उसके बाद 2017 के आसपास में हम लोगों को गाइडलाइन देने लगे थे आसपास के किसानों को और अपने जो अलग अलग ग्रुपों के माध्यम से, फिर ऐसा लगा कि यार अब चलना चाहिए, अब लोगों को हमारी ज़रूरत है, अब समय आ चुका है झंडा उठा के चलने का जागरूकता वाला। फिर 2020 में पेंशन मिला और लिखा तो 2017-18 से ही था, लेकिन सेना छोड़ते छोड़ते समय लेती है, सेना का एक प्रोसीजर है, और 2020 में मैं सेना से आया, लेकिन मैं रिटायर आज भी नहीं हुआ हूँ। मैं केवल वर्दी नहीं पहनता हूँ, वो चीते जैसी ये भी वर्दी है, और मैं आज भी फौजी हूँ। मैं मरते दम तक मैं कभी रिटायर नहीं होऊंगा, ये मेरे दिमाग में। तो फौज से जितनी मैंने मोहब्बत करी है, इतनी मुझे दुनिया में किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं है जितनी मुझे फौज से है, आज भी है। आर्मी मतलब मेरे ब्लड में है, ब्लड में अंदर सेल्स में भी मिलेगी अगर आप इसका टेस्ट कराओगे तो, इतनी मोहब्बत है मुझे पागलपन से ज़्यादा। मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से, मेरे माँ बाप से, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझे मोहब्बत है तो फौज से है, बाकी किसी से नहीं है, वो भी अपनी फौज से, मेरे डिपार्टमेंट से। तो अब यह होता है, हो सकता है मेरा साइकोलॉजिकल हो, लेकिन जो भी है ये हकीकत है। उसके बाद सब आते हैं, पहले फौज और तिरंगा, उसके बाद में सब। बस वहाँ से फिर हमने कैमरा उठाया और हम लोगों को गाँव जा करके बताने निकल गए। तो हमने कुछ ऐसे तरीके अपनाए कि जहाँ पे आम आदमी ये सोचना छोड़ देता है कि ऐसा क्यों। जैसे कभी आपने सोचा कि 80% रासायनिक खाद फिक्स होती है, सभी को पता है। कभी आप लोगों ने सोचा कि फिक्स जो होती है इसको कैसे डिजोल्व करें? हमने उस पर काम किया।
हमने उन चीजों पे काम किया जो आप छोड़ के भाग गए, मतलब आपके कचरे पे हमने काम करना शुरू किया कि ऐसा क्या रास्ता निकाले तीसरा जो रासायनिक भी थोड़ा पकड़ के चलें ऑर्गेनिक भी पकड़ के चलें, इसको मिक्स करके एक बेहतर रास्ता जिससे किसान धीरे धीरे ऊपर से नीचे हो जाए। अभी क्या हो रहा है, अभी किसान यहां पे है और यहां से 20 फीट नीचे प्राकृतिक खेती है। अभी हमें क्या बताया जा रहा है कि भाई साहब अभी तक तो ये बताया जा रहा था कि केमिकली जिंदगी है, ये दवाई डालो वो दवाई डालो ये लाओ वो लाओ, है नहीं। और अचानक से जागरूकता आ गई देश में और अचानक से बोल रहे बस सीधे प्राकृतिक पे आ जाओ, बस ये तो जहर है इसको छूना नहीं, इधर आ जाओ इधर। अब आपको ऊपर से छत पर से कुदाया जा रहा है तो किसी के हाथ टूट रहे हैं किसी के पैर टूट रहे हैं। मेरा मानना यह है कि आपको सीढ़ी दे दी जाए, हमारे साहब सीढ़ी लगा दो जब आपको उतारनी है पब्लिक को ऊपर से, तो और पहला डंडा दूसरा डंडा तीसरा डंडा चौथा डंडा बंदा नीचे बिना किसी नुकसान के। रिस्क क्यों ले रहे हो गिराने का भाई? आज एक आदमी जो केमिकल फार्मिंग कर रहा है कंप्लीट जैसे आप लोग कर रहे हो, अगर आप आज ही एकदम से छोड़ के ऑर्गेनिक की तरफ जाओगे तो मुंह की तरफ बल गिरोगे नहीं गिरोगे, चाहे गो आधारित खेती कर लो चाहे प्राकृतिक खेती कर लो। कहना बहुत आसान है, जब प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल का मतलब होता है वास्तविक रूप में, जब मैं मेरे खेत में करता हूं जब रिजल्ट नहीं आता तो मेरा दर्द सुनने नहीं आता कोई, उस समय मुझे मूर्ख साबित कर दिया जाता है किसान को कि तेरी गलती रही होगी, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं तो गलत बोल ही नहीं सकता। क्यों हमारे साहब गलत कह रहा हूं? आप ही गलत किए होंगे, किसान ही गलत होता है हमेशा, कोई कंपनी गलत नहीं होती, कोई समझाने वाला गलत नहीं होता, कोई डॉक्टर गलत नहीं होता। क्यों भैया आपका नाम क्या है? प्रवीण भाई। कोई डॉक्टर गलत होता है, किसान गलत है। आज तक जितनी गलतियां निकाली गई होंगी कंपनियों ने तुम्हारे खेत में जो रिजल्ट नहीं आए होंगे सारी गलती तुम्हारी बताई होगी, सीधी सी बात है उनको पता है, इसको जागरूकता है नहीं, ये कुछ बोल भी नहीं पाएगा। ज्यादा करोगे तो कहेगा एक काम करिए डेमो वाली सीसी है, चल इसके पैसे मत देना ले जा। तो ये सीढ़ी देनी चाहिए, हमने ये सीढ़ी देने का काम लोगों को किया। सारी कहानी कहां से शुरू होती है मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं, हालांकि ये कई वीडियो में हो चुका है। हम आज इस कंडीशन में आए कैसे, आज जिस वर्तमान स्थिति में हमारा अनार खड़ा है या पूरे भारत की खेती है कि हम आज केमिकल से त्रस्त हैं, परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि केमिकल कंपनी आपको दवाई अच्छी नहीं दे रही, ऐसा भी नहीं है कि केमिकल कंपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं कर रही कि आपकी बीमारी दूर हो। मेरी बातों को ध्यान से समझना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। वो अपनी तरफ से बढ़िया दवाई बना रही हैं, वो अपनी तरफ से बढ़िया काम कर रही हैं, लेकिन वो दवाई हमारे खेत में रिजल्ट नहीं दे रही। क्यों? कंपनी ने बोला कि कोई भी दवाई एक्स वाई जेड के दवाई का नाम ले लेते हैं 0.50 ml प्रति लीटर। अब मैं प्रवीण भाई की दुकान पे गया, प्रवीण भाई इल्ली आई तो प्रवीण भाई ने बोला 1.5 ml प्रति लीटर स्प्रे कर दे। मैं प्रवीण का नौकर हूं, प्रवीण ने मुझसे बोला सुन ये पकड़ सीसी, क्योंकि प्रवीण खेत में जाएगा नहीं, ये बहुत चालू है, इसको पता है मेरी ये दवाई केमिकल है कैंसर है ये मुझे मार देगी, तो ये मजदूर से कराएगा, मजदूर में तो जान होती नहीं है, वो तो ऐसे ही है ना कहीं से उठ के आ गया बेचारा, मुझे कैंसर ना हो मजदूर को भले ही हो जाए, ये सोचने भी किसान को बहुत पीछे किया है। अब मजदूर को दिया तो मजदूर ने नापा तो मजदूर से वो नापा कहीं खोया गया, अरे यार वो कहाँ रह गया नापा, ये छोड़ वो जैसे पैक बनाता है ना शाम को, उसने आइडिया से बना लिया कि 15 ml 20 ml मेरा हो गया। अब उसने भाई ने क्या सोचा कि यार 200 लीटर है 250 ml बताया है, अब ये 500 ml है इससे कहाँ इल्ली मरेगी, इस भाई ने इसको 2.5 ml कर दिया। अब ये 2.5 ml जब पत्ते पे जाके पड़ी तो इल्ली तो मरी, लेकिन 100% कभी किसी दवाई से नहीं मरेगा, उसमें से जो 2-4% बचा वो 2-4% ने ये केमिकल को झेल लिया, DNA में उतार लिया। अब इन्होंने जो अंडे दिए मरने से पहले वो 2.5 ml की रेजिस्टेंट पावर लेके आ रहे हैं अभी। अब जो अगली वाली दवाई आपकी मारोगे आप, अगर 2.5 ml से कम की डोज गई या 2.5 ml भी गई तो ये इल्ली नहीं मरेगी। अब आपने 2.5 ml डाला और आपने क्या ब्लेम किया कि साला कंपनी खराब है, इस कंपनी का साल्ट काम नहीं कर रहा है और ये जो है ये तो मरी नहीं रही इल्ली, दवाई नकली दे रही है। अब आपने क्या किया इसको 3.5 ml कर दिया, मर गई।
और ये फिर 3:30 पे काम नहीं कर रही है दो इस तरह के बाद। अब धीरे 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 आप इस स्थिति में आ गए कि अब इससे ज्यादा आप इस तरह कर नहीं सकते। लास्ट पॉइंट पे हो आप, इसमें गलती किसकी है? किसान की और मीडिएटर की, जिसने स्टार्टिंग से दवाई बेचने के लिए तुमसे झूठ बोला। कंपनी की सीसी पे पढ़ोगे जा करके, उसके अगर उसका प्रोफार्मा देखोगे तो 0.50 ml ही मिलेगा, लेकिन आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए। अभी कल मेरे पास एक फोन आया कि भैया मेरे मुंह पे मिर्ची लग रही है और मैंने केमिकल स्प्रे किया है। किसी भी कंपनी की रेसिपी उठा लो, कंपनी बोलती है पीपी किट पहनो या ग्लव्स लगाओ या मास्क लगाओ, उस तरीके से स्प्रे करो। हम लोग कितना फॉलो करते हैं? नहीं करते, लेकिन ब्लेम कंपनी पर, कंपनी सीधा किसान पे। बीच वालों का गेम है और बीच वाले कभी इसके बीच में आते नहीं, ना कंपनी ना गाली खाते कौन, कंपनी या किसान, बीच वाले मजा ले रहे हैं, सारा गेम बीच वालों का है। यही गलत गाइड करते हैं ये जो डॉक्टर घूम रहे हैं ना, ये डॉक्टर ही मेरे जैसे झोला छाप किसानों को यहाँ पे सारी सारी गड़बड़ चीज़ें सिखाते हैं। अगर सही बता दिया जाए तो ठीक, चलो इसका तो खैर चैप्टर क्लोज है क्योंकि अभी केमिकल से काम हो नहीं रहा है, तो हम केमिकल पर बात करेंगे नहीं। अब बात यह आती है कि 1962 के आसपास देश में हरित क्रांति आई और हमारे देश में उस समय में 10 में से 7 लोग अच्छे से खाना खाते थे, 3 लोग या तो कम खाना खाते थे या उनके पास खाना खाने की स्थिति में पैसे नहीं थे, या वो भुखमरी की स्थिति कह लो आप। उस समय हमारे देश को उस स्थिति से निकालने के लिए जरूरी था कि हरित क्रांति लाई जाए। हरित क्रांति लाई गई तो हमारी जमीनों में बैक्टीरिया बहुत बढ़िया प्रचुर मात्रा में थे, हर प्रकार के, ट्राइकोडर्मा के थे, बिबेरिया बेसियाना के थे, मेटारिज्म के भी थे, पैसिलोमाइसिस के भी थे, मतलब जमीन स्वस्थ थी, फुल बैक्टीरिया थे हमारे अंदर। समझ में आ रही मेरी बात या और थोड़ा स्लो बात करूं? ऐसा तो नहीं कि मारवाड़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा हूं। तो ये बैक्टीरिया हमारे जो है वो प्रचुर मात्रा में हमारी जमीनों में थे। अब हमने क्या किया, अब मैं इसको ऐसे रिलेट करता हूं कि जैसे मैं आपके मारवाड़ में आया और मास्टर साहब के घर पे मास्टर साहब ने बोल दिया मास्टरनी जी को कि भाई बिजनौर से राहुल जी आ रहे हैं और उनके साथ में एक आदमी और है, ये खाना खाएंगे लेक्चर के बाद। लेकिन मेरे साथ में 4 और चले गए, ये पुखराज चला गया, ये मार साहब आ गए, ये ताऊ जी आ गए। अब मास्टरनी बोली मैंने तो खाना 2 आदमी का बनाया है, इस बात को उसी चीज़ से समझना है, वापस वहीं आऊँगा घूम के। तो मास्टरनी ने बोला कि एक काम करो बाजार से, अब पूरा तो करना है क्योंकि ज़्यादा लोग भूखे हैं, समझ में आ रही बात, ज्यादा लोग भूखे हैं, इनका पेट भरना है, तो अभी एकदम से खाना नहीं बन सकता। तो उपज बढ़ाने के लिए, भूख मिटाने के लिए हमें रासायनिक फर्टिलाइजर मतलब बाजार का खाना लाना पड़ेगा। तो मार साहब गए पादरू और मार साहब लाए वहां से समोसे, 2-2 केले, बर्फी और कोई रबड़ी आपके यहाँ कुछ बनता होगा मीठा, और 1 कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आए। अब मास्टरनी ने बोला कि पहले इनको नाश्ता करा दो नहीं तो खाना कम पड़ जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, मास्टर आदमी के घर में रोटी नहीं। अब मार्था ने बोला कि राहुल भाई, मैं बोला जी मैं समोसे नहीं खाता, पहले जमीनें मना करती थी, किसान मना करता था, जबरदस्ती कृषि विभाग वाले आकर के रासायनिक खाद फेंक के जाते थे खेत में चुपचाप कि रिजल्ट आएगा तो ये दोबारा आएगा मांगने के लिए। तो मार्था ने बोला कि यार देखो ये मना मत करना, तुम्हारे मेरे साले की दुकान से आए हैं और तुम्हारी भाभी ने स्पेशल बोला है। अब इन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया मुझे। अब भाभी ने बोला तो चलो ठीक है भैया लाओ खा लिया मिठाई, राहुल भाई ये स्पेशल है, आज बच्चे का जन्मदिन है और देखो बस बच्चा आपका भतीजा आपके हाथ से दे रहा है। अजय मास्टर साहब ने अपना काम, इन्होंने अपना काम फिट करना था, कुल मिला के अपनी इज्जत बचानी थी, तो इन्होंने हमें समोसे भी खिलाए, कोल्ड ड्रिंक भी पिलाए, साला हमारा पेट तो वैसे भर गया। अब ये बोले राहुल भाई खाना खाओ, हम बोले खड़े गम्मा खाना नहीं खाना महाराज, नहीं नहीं खाना तो खाना पड़ेगा, तुम्हारी भाभी ने इसे प्यार से बनाया है। अभी वो साला 2 आदमी का खाना 5 आदमी को पूरा हो गया। अब ये बात मास्टर साहब को तो कोई दिक्कत नहीं थी, भाभी ने पकड़ ली, भाभी कौन है? किसान। अब किसान की समझ में आ गया कि बेटे ये तो बाहर से भी काम चल सकता है, तो मैं साला ये जीवामृत घनजीवामृत फालतू के ये गोबर की खाद ये बर्मी कंपोस्ट है तेरे की, बैग लाओ मजा रट 20 किलो डालो। अब अगली बार फिर मैं गेस्ट आए तो भाभी ने बोला मार साहब को फिर इशारा मारा पादरू, फिर गेस्ट आए फिर पादरू, एक दिन ऐसा आया कि पादरू पे डिपेंड हो गए। तो भाभी बोली मैं मायके जा रही हूँ, 2 महीने बाद आऊंगी, तुम स्कूल जाना, पादरू से ले आना समोसे खा लेना आराम से। और अब स्थिति यह आ गई कि मार साहब की बाई किडनी काम नहीं कर रही, सारे लीवर में इन्फेक्शन हो गया, आंत गड़बड़ है, मार साहब ना मोटरसाइकिल पर चल पा रहे ना कार पर चल पा रहे, और दवाइयों की एक पूरी किट ले रखी मार साहब ने कि दोपहर में 11 बजे ये दवाई खानी तो लंबा सांस आएगा, ये दवाई खानी तो पेशाब आएगा, ये दवाई खानी तो रात को नींद आएगी। हम इसी स्थिति में हैं आज खेती में।
भाई पहले तो हम रासायनिक फर्टिलाइजर से परेशान थे, अब हम शीशियों से परेशान हो गए, अब दवाइयों से परेशान हो गए, अब मार साहब वो दवाई भी काम नहीं कर रही। अब आपको याद आ रही कि बेटे वो गलती करी थी वो समोसे खा के, राहुल भाई को जो समोसे खिलाए थे ना आज वो मुझे खाने पड़ रहे हैं, वो समोसे नहीं खाने चाहिए थे। तो मार साहब इतने दिनों बाद ज्ञान आया, वो ज्ञान पहले आना चाहिए था, तो वो समोसों ने गड़बड़ करी महाराज। अच्छा अब वो समोसे एकदम से तो जाएंगे नहीं, आपको कल से कि मैं लौकी का जूस पीना चालू कर दूंगा और रनिंग चालू कर दूं तो हमारे साहब ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें करना क्या है, अब समझ में आया कि हम केमिकल की तरफ कैसे भरे और जाल में कैसे फंसे, समोसों ने फंसा दिया हमें बाजार के लालच ने, अब वो पच नहीं रहा है। अब हम जो भी खा रहे हैं, हमें चार दिन से पेट साफ हुआ नहीं है, पेट में गैस बन रही है, पानी भी पी रहे हैं तो डकार आ रही, और मैं रबड़ी लेके बैठा महाराज, रबड़ी बादाम की, अब बादाम की रबड़ी की बात कर रहा, किसी तरह मेरी गैस खत्म कर दे। तुम्हारे खेत में टॉनिक क्या करेगा, जमीन में जान में जीवाणु ही नहीं, इसमें है ही नहीं कुछ, उतरी नहीं नीचे को, फंसा पड़ा है बहुत कुछ। तो 1962 से या जब से आपने खेती शुरू करी, इसके अंदर कितना डीएपी डाला होगा आपको याद भी नहीं है, उस डीएपी का 80% हिस्सा इन्हीं खेतों में पड़ा हुआ है, वो निकलेगा कैसे, कोई छन्नी तो है नहीं, कोई आओगे और छान कर ले जाओगे, वो जब तक निकलेगा नहीं ये जमीनें साफ नहीं होंगी, जमीनें साफ नहीं होंगी तो उत्पादन आएगा नहीं, दुनिया की कोई दवाई काम नहीं करेगी। मतलब पहले तो पेट साफ होना जरूरी ना, तो आपको सीधी सी बात है त्रिफला पे आना पड़ेगा, त्रिफला गर्म पानी, सुबह रनिंग करो या साइकिल चलाओ या पैदल चलो या योगा करो भैया, और फल खाओ और सब्जी खाओ, ये भूल जाओ पिज्जा बर्गर अभी कुछ समय के लिए। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले आप अपनी जमीन पर ध्यान दो, जमीन पर ध्यान देने का सिंपल सा फंडा है, पहले मेरी जमीन मजबूत कर लो। जमीन मजबूत कैसे होगी, जब भी आप अपना अनार का खेत में खेती करने के लिए जाते हैं तो कम से कम 1 एकड़ में 10 क्विंटल जिप्सम का प्रयोग करें, ठीक है, गड्ढों में भरवाएं या पूरे में जुताई करवा दें, क्योंकि इसकी जड़ें तो सारे में जाने वाली है, लास्ट में 3-4 साल के बाद आपस में मिल जाती हैं जड़ें, वो अलग बात है कि आप रोटावेटर से काटते रहते हो, मेरा मानना है कि काटना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है वो आपकी अपनी प्रैक्टिस है, मैं उसके बीच में नहीं बोलूंगा। मैं तो आपको बेसिक चीज़ समझाने आया हूँ, खेती का गणित क्या है। जिप्सम कम से कम 5 क्विंटल, सबसे पहली बात आप मिट्टी की जांच नहीं कराते, आप लोग मिट्टी की जांच होती है आपके यहां पे नहीं, मिट्टी की जांच में यह पता चलता है कि मुझे कौन सा तत्व डालना है कौन सा नहीं। अच्छा आपने मिट्टी की जांच में एक चीज देखी होगी, उपलब्ध नाइट्रोजन, उपलब्ध फास्फोरस, उपलब्ध पोटास, उपलब्ध है, उपलब्ध है तो मिलती क्यों नहीं, हमें क्यों डालनी पड़ रही फिर ऊपर से, वो फिक्सेशन फॉर्म में पड़ी है, अनसोलेबल फॉर्म में, मतलब एघुलनशील जो आपने डाली थी पिछले साल उसका 80% खेत में पड़ा है तो वो शो हो रहा है लेकिन वो मिलेगा नहीं। जैसे आपने एक अकाउंट खोला बैंक में और आप उसकी किताब उताब और पासवर्ड उसवर्ड सब भूल गए, अब ना आपके पास ATM है ना किताब है, पैसा नहीं निकाल सकते, अब आपका अकाउंट है, बैंक वाले बोल रहे हैं कि भैया एक काम करो कागज ले आओ और पैसे ले जाओ, तो आपकी जमीन में फास्फोरस DAP पड़ा तो है लेकिन पौधों को नहीं मिल रहा है, पौधों को कैसे मिलेगा, जब ये सोलेबल होगा, सोलेबल मतलब घुलनशील खाने योग्य, वो कैसे होगा, जीवाणुओं से, जीवाणु कहाँ से आएंगे, जीवामृत घनजीवामृत, गाय के गोबर, गाय का पेशाब, ये जो गाय घूम रही है आवारा चारों तरफ, इनको पकड़ लो धुआं भी देंगी, खाना भी खिलाओ साथ में तुम्हें गौमूत्र और गोबर भी देंगी, इसी से खेती होगी। गाय से तुम्हें नफरत है, गाय से नफरत होती जीवन में भी कभी तुम खेती नहीं कर सकते, ये भी याद रख लो, समझ रहे हो, गाय से प्यार करो, गाय क्या बकरी से भी करो, कुत्ते से भी करो, बिल्ली से भी करो, सबसे करो, जो भी वेस्टेज दे रहा है वो हमारा है, चलने फिरने वाले जीव का जो वेस्टेज है वो ना चलने वाले फिरने वाले जीव का है, और इनसे जो वेस्टेज निकलता है वो हमारा भोजन है, ये परस्पर ऐसे प्रकृति बनी हुई है एक दूसरे से, लेकिन हम भूल गए इस चीज को। तो हम जो लोग जो मिट्टी की जांच करवाते हैं उसके बाद जो इसमें जितने भी तत्व आ रहे हैं कि ये अनसोलेबल फॉर्म में है या ये देना है, ये कम है, ये ज्यादा है, वो मिट्टी की जांच से शुरू होता है। एक कॉमन से में अगर आपको मिट्टी सुधारनी है, आज तक जो खराब हो गई हो गई, आगे आपकी मिट्टी खराब ना हो उसके लिए आपने क्या देना है, सबसे पहले जिप्सम को देना है, आज के बाद मिट्टी खराब नहीं होगी, इतनी बात की गारंटी है, जो हो गई हो गई, जो हो गई उसको भी सुधारेंगे। अभी पुखराज तुम खड़े रहो, कैमरा मेरी तरफ मत लाओ, मेरी बकवास सुनकर दुनिया परेशान हो चुकी, लोगों के फेस दिखाओ। मिट्टी हमारी जो आज तक जो खराब हो गई वो अब खराब ना हो, तो सबसे पहले जिप्सम और सरसों की खली 50 किलो प्रति एकड़, ये खेतों में 5 किलो नीला थोता, ठीक है, उसके साथ में 2 किलो फिटकरी, गंधक,
5 किलो बारीक वाला 40 रुपए 60 रुपए किलो गंधक आता है पीला वाला, दीपावली पर गूगल पान में रख के फूकते हैं वो, ये खेत की तैयारी में फेंकना है। तो ये बीमारियों से परमानेंट नियंत्रण देगा आपको, बारीक करके और गोबर की खाद में मिला के 10-5 दिन रख के और उसको बिखेर दो खेत में या गड्ढों में डाल दो आपके थोड़ा सा, दो मुट्ठी। अब जो आप गड्ढे के लिए अनार के लिए कंपोस्ट तैयार करते हैं, आपके जो गोबर की खाद हुई, एक तो उसका वर्मी कंपोस्ट बनाना चालू करो आप। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं बना सकते तो आप ये इसको डिकम्पोज करो। डिकम्पोज के लिए कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ की जरूरत नहीं, आपके घर में गौमूत्र हर जगह पे है। गौमूत्र में पानी मिलाओ, थोड़ा घुल मिलाओ, 8 दिन छोड़ दो। 2 लीटर गौमूत्र, 100 लीटर पानी और 2 किलो गुड़, 8 दिन छोड़ दो और उसको उठा करके उसके ऊपर फेंक दो कचरे के, सबको गला देगा सबको। 1 किलो गोबर डाल दो इसमें, ज़्यादा करें तो इतना काफ़ी है, इनको गाय वालों को पता है उसमें कितनी ताकत है। क्यों दादा गलत बोल रहा हूँ? तो ये इस तरीके से करके इसको दो तो ये आपका गोबर डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज किया हुआ गोबर ही गड्ढों में डालो। आप गड्ढे में शुरू में बीमारियों को निमंत्रण देते हैं भर भर के थाली में कि भाई साहब आइए हम अनार लगाने जा रहे हैं, तुम फंगस लेके आओ, तो वो आते ही फंगस आती है। अभी जमीन में कुदरत ने सब कुछ दिया हुआ है फंगस से लड़ने के लिए। ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम दिया है और विरिडी दिया है, ये जमीन में ऊपर वाले ने कुदरत ने दिया है लाखों साल से अरबों साल से, और जब तक पृथ्वी रहेगी ये रहेंगे। उसके साथ में एंटीबायोटिक और एंटीफंगल के लिए उसने सूडोमोनास दिया है और बेसिलस सेप्टिलिस दिया है। ये बाहर दुकान पे नहीं है उतने जितना ज्यादा जमीन में है, ठीक है? अभी समझाऊंगा इनकी सारी कहानी। उसके साथ में आपका पेसिलोमाइसिस दिया है, ये बताऊंगा ये क्या करते हैं। वर्टिसिलियम लकानी, बिवेरिया बेसियाना, मेटारिजम एनिसोपले, ये हो गए आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक आता है आपका बेसिलस थुरंजेसिस। और इसके बाद में एक आता है आपका माइकोराइजा, ये आपने सुना होगा कि दुकानों पे मिलता है, ये जमीन में होता है हमारे साहब, ये दुकानों पे बाद में गया, पहले हमारी जमीन में है जी। अब सुनते रहो चाचा, मैं आप लोगों को एकदम यहां से संतुष्ट करके भेजूंगा। अभी तो रामायण का पहला कांड चल रहा है, अभी तो राम जी जो है वो निकले हैं धनुष लेके उधर तालका का वध करने के लिए। अब आपके ये तो हो गई सुरक्षा के लिए, प्रकृति ने आपकी, हमने नहीं दिए ये नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है प्रकृति ने। अब आपकी जमीन में पोषण देने के लिए प्रकृति ने क्या दिया है? आपको पता है जितनी बोरियां यूरिया की इस दुनिया में है नहीं, उनसे ज्यादा आसमान में लटकी हुई है, लटकी हुई है कि नहीं है? लेकिन वो देने वाले जो जीवाणु होते हैं वो नहीं बचे जमीन में। हम लोग यहाँ पे सब हैं, माता की मूर्ति नहीं है, मंदिर वंदिर सब है, माता की मूर्ति गायब है, तो पूजा किसकी करें? मेन तो माता ही है भाई, हम आरती तो माता की करना है, भले ही बाहर कुछ ना हो माता की मूर्ति चलेगी, हम इधर नतमस्तक हो जाएंगे। या पंडित जी ना हो, बीज का स्रोत खत्म है, नाइट्रोजन भी है, माता की मूर्ति भी है, सब कुछ है, ताला लगवा, पंडित जी गायब है, लो कर लो पूजा। वैसे जमीन में जीवाणु नहीं है, कहाँ गए? समोसे ने भगा दिए। कौन कौन से चाहिए? सबसे पहला आता है कोई नहीं, जब ये 1 घंटे का हो जाएगा ना तो ये चैप्टर को फिर मुझे इशारा कर देना, मैं दूसरा वीडियो बनाएंगे।
तो इसमें क्या होगा कि लंबी वीडियो जाने नहीं रहेगी। आ जाओ भैया, नाइट्रोजन के चार होते हैं, ठीक है, एसिटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, राइजोबियम। अभी आपको एक एक का काम बताऊंगा, ठीक है, कैसे काम करते हैं जमीन में। ये हो गए नाइट्रोजन के चारों। इसके बाद आता है पीएसबी, केएसबी, फास्फोरस सोलवलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटास सोलवलाइजिंग बैक्टीरिया, जेडएमबी, एसएमबी, सल्फर वाला और जिंक वाला। और इसके बाद आ जाएगा आपका डब्ल्यूडीसी, डिकम्पोजर, जो चीजों को डिकम्पोज करेगा। ये भी सारे जमीनों में हैं। ये सारे गाय के गोमूत उसके गोबर में हैं अवेलेबल। अब सबसे बड़ी बात है कि देसी गाय भी ओरिजिनल नहीं बची। अगर आप ब्रीड जाके निकालो तो हजार में से दो या तीन या चार गाय ओरिजिनल बची है, और ना सब मिक्स ब्रीड। हमने इंजेक्शन लगवा के ये करवा के उनका ऐसे कितने, तो ये चीजें भी उतनी कम हो उनके बॉडी में और उनके गाय के पेशाब में और वो चीजों में गौमूत्र में वो कम होती जा रही है धीरे धीरे। तो ये सब चीजें हमारी जमीन में थी। अब ये करते क्या है, ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और विरिडी जमीन के नीचे की जितनी भी फंगस है, कितने प्रकार के नाम आपको अंग्रेजी में और हिंदी में, उर्दू में और इंग्लिश में, मारवाड़ी में याद हो, उस सारी फंगस का भाप है काल। कैसे, जब पौधे की नई रूट निकलती है, हर तीसरे दिन में पौधे की रूट बनती और मरती है, आपको पता होगा नहीं पता हो, जैसे ही नई रूट निकलेगी उस पे ये बैठ जाता है आकर के। जैसे मंदिर में अगर हम सब बैठे तो किसी की हिम्मत नहीं आके गड़बड़ कर सके गलत काम, लेकिन अगर हम में से कोई ना रहे तो यहाँ हमारी चटाई पे कुत्ते आके बैठ जाएंगे। ऐसे ही बुरी फंगस आके जड़ों पे बैठ जाती है, और फिर आप उस फंगस को भगाने के लिए, ये ठीक ऐसे ही हो रहा है जैसे आप अपने घर में गाँव में हो और आप अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ के जाते हैं और रोज कोई ना कोई दो चार सुल्फेबाज उसके अंदर आके बैठ जाते हैं, फिर आप गाँव वालों को बुला के लाते हैं और डंडे के दम पे उनको भगाते हैं और फिर घर खुला छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो चार लोग आते हैं, फिर वो चार की जगह छह आते हैं, तो फिर आप छह की जगह आठ लाते हो। अब गांव वालों ने आपके साथ जाना बंद कर दिया कि तेरा तो रोज का ड्रामा है, मतलब आपके खेत में फंगस आई, आप दुकान पर गए, टेम्परेरी दवाई लाई, फिर फंगस भागी, फिर आई, फिर और पावर के लाए, फिर भागी, फिर आई, और आप इस क्रम में फंस गए और आप फंगस ने काम करना बंद कर दिया। दुकान वाली ने कहा तेरा तो रोज का काम है, आपको करने का चाहिए था अपने घर की चार दीवारी और उसके अंदर ताला। ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और विरिडी ये खेत में छोड़ दो, काम खत्म। भाई बिल्ली के अगर बिल्ली छोड़ दो चूहों में, दिमाग क्यों लगा रहे हो जबरदस्ती के नए नए सोने के चांदी के पिंजरे लाने में, क्यों मार साहब? तो ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और विरिडी अगर रहेगी तो आपके खेत में किसी प्रकार की कोई फंगस गारंटेड नहीं आएगी। ये मैं नहीं बोल रहा, साइंस बोल रही है पिछले 100 साल से, और ये प्रकृति बोल रही है, ये जमीन बोल रही है। इस पेड़ को फंगस क्यों नहीं लगती, नीम को, ये बाकी घास को, तुम्हारे खेत में क्या आफत आ रखी है भाई? जो वर्जिन लैंड है जिनमें अभी तक केमिकल का प्रयोग नहीं हुआ, वहां पे जाके पत्ते की स्थिति देखो ना, आप ही के राजस्थान में, वहां क्यों सब कुछ ठीक चल रहा है? केवल तुम्हारे एक बाउंड्री पार खेत में। सुडोमोनास जमीन से ऊपर वाली फंगस को कंट्रोल करता है और इन दोनों फंगस को काम करवाने में मदद करता है। साथ में ये ग्रोथ प्रमोटर भी है और एंटीबायोटिक भी है। उसके साथ में बेसिलस सबटिलिस ये भी यही काम करता है। ये दोनों एंटीबायोटिक भी हो गए आपके, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग लाते हो जाकर के बाजार से एंटीबायोटिक के नाम पर शीशियां, ठीक है। पेसिलोमाइसिस ये आप लोगों के लिए ऐसा है जैसे भूखे के लिए प्रसाद खाना, ये है नीमाटोड का भाप, इधर डालो उधर नीमाटोड सपा, और परमानेंट जीवन भर के लिए। पेसिलोमाइसिस ये एक फंगस है जो जमीन में चलती है और आपके जो जड़ों के बीच में, ये जो अनार की जड़ें हैं, इन जड़ों के बीच में गांठ हो जाती है। आपने देखा बच्चों के पेट में, हमारे पेट में जब हम छोटे थे तो जून हो जाते थे, कीड़े पिनकृमी, मतलब पिनकृमी बोलते ना उनको, साला पढ़ाई थोड़ी कमजोर रही हमारी, 12वीं तक रह केवल, तो वो पेट में बैठ जाते थे, तो ये जड़ों में बैठ जाता है। तो जड़ें जो भी भोजन ले रही हैं, ये भाई साहब क्या करते हैं, बीच में ही खा जाते हैं, उधर जाने नहीं दे रहे सप्लाई, नसें ब्लॉक, तो पौधा सूखेगा कि रहेगा? तो भैया वो पौधा ऊपर से नीचे बैक होता है। पौधे का गणित क्या है फंगस लगने का, किसी भी पौधे में फंगस लगी
फंगस का मतलब है उन्होंने सारा भोजन वहीं पे उसकी जड़ों का खाना चूसना शुरू कर दिया, सारा न्यूट्रिशन रिवर्स आ रहा है। तो पौधा अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले वो पहला भोजन कहाँ इकट्ठा करके रखता है, अपनी पत्तियों में। तो सबसे पहले पत्तियाँ पीली पड़ती हैं और पत्तियाँ पीली पड़ के उनका पोषण निकलता है और पत्तियाँ झड़ जाती हैं। फिर वो पौधे का ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे तने में स्टोर करता है अपना। फिर वो तने में करते 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 वापस करते करते जब आपको उसको दिखता है कि ये अब कुछ देने वाला नहीं है, तो पौधा आखिर तक, प्रकृति ने पौधे को इतनी ताकत दी है कि वो आखिर तक लड़ता है जिंदा रहने के लिए। आप देख लो पूरा पौधा सूख जाएगा लेकिन जड़ फिर भी हरी रहेगी थोड़ी सी, लेकिन उसके पास अनुकूल वातावरण ना होने की वजह से वो बेचारे को अपना जीवन देना पड़ता है हमारी अज्ञानता की वजह से, और वो वहाँ पे पौधा खत्म हो जाता है। सिम निमाटोड की कहानी है। अब वो जो वायरस है वो इसी को खाता है और बढ़ता है। पता, हमने बिल्ली पाली, बिल्ली चूहा आएगा ये खाएगी, हमारा लफड़ा खत्म। तुम जो 8,000 की ला रहे हो उससे बच जाओगे। तो ये निमाटोड का काम करता है। आपका वर्टिसिलम लगानी, जितने भी प्रकार के इल्ली उसके साथ में आपके कुछ रस चूसक लट, ठीक है, सभी प्रकार की रेंगने वाले जितने भी कीड़े, प्यूपा लार्वा, ये उनका काल है। ये मारता नहीं है उनको, कंट्रोल करता है, मतलब आने ही नहीं देता। और उनकी बॉडी में अगर वो आ गए तो जा करके उनके प्रोटीन को खा करके अपने आप की अपनी तादाद को बढ़ाता है, समझे। उसके बाद बिबेरिया बेसियाना, जितने प्रकार के रस चूसक होते हैं और नीचे दीमक होती है, जमीन के अंदर लाल मुंह का कीड़ा जो जड़ों को काटता है, दीमक नहीं, दीमक तो छोटी होती है, लाल मुंह का कीड़ा होता है, आपने देखा है लाल मुंह की गिंडार, व्हाइट ग्रब बोलते हैं जिसको, लटी कह लो उसको, जमीन के अंदर होती है, जड़ काटती है, फिर तुम लाके जहर मारते हो, ये उसका दुश्मन है, जमीन के अंदर रेंगने वालों का और पत्ते को चूसने वालों का, जिसमें पत्ता मुड़ जाता है ऊपर की तरफ और तुम लीफ कर्लिंग की दवाई लेके आते हो, रस चूसक लग गए, सकिंग पेस्ट अंग्रेजी में, दो चार अंग्रेजी मारी, चश्मा लगाया, तुम्हें लगा वारे वार साहब तो बड़ा पढ़े लिखा आदमी, बाबू जी खड़े गम्मा वहीं पेलता है वो तुम्हें रख के पेपर बना के, कुछ नहीं करना। बिबेरिया बेसियाना, इसको खेत में छोड़ दो। मेटेरिया मेनिसोपले, जितने भी फुदकने वाले कीड़े हैं आपके खेत से मेरे खेत में आ रहे हैं, जो हमें आंखों से फुदकते हुए दिख रहे हैं, मच्छर, तितली, टिड्डा, इल्ली या कुछ भी जो पत्ते के ऊपर चल रहे हैं, ये उनका बाप है। बेसिलस थुरिंजेसिस, ये और ये वर्टिसिलम लगानी दोनों सेम काम करते हैं, अंडा लार्वा प्यूपा पे। मतलब आपके खेत में अभी किसी ने कहा कि कुछ दिनों के बाद लट आएगी, तो लट के जोत में बैठ के, लट के अंडे तुम्हारी जमीनों में पड़े हैं, जैसे ही एक तापमान अनुकूल आया, उस अनुकूल तापमान में उसके अंडे से बच्चा निकला, तो उसके जो अंडे पड़े हैं ये उसके अंडों को ही पेलने के लिए बनाया हमने चक्र, अंडों को खा जाएंगे आमलेट बना के। अब जो अंडे से बच गए तो लार्वे को ये खा जाएगा, प्यूपा बच गया तो प्यूपा को ये खा जाएगा, अगर किसी वजह से बच बचा के गलती से एक आध पत्ते पे पहुंच गया तो ये बैठा, अब बचा क्या। तो ये पूरा चक्र भी बना दिया हम लोगों ने, ये प्रकृति ने बनाया हुआ है इस पूरे चक्र को। अगर ये आपके खेतों में है तो कोई समस्या नहीं आएगी। अभी भी कुछ किसान ऐसे प्राकृतिक खेती वाले मिल जाएंगे जिनके खेतों में बीमारी आती नहीं, आप बोलोगे ये क्या जादू है, ये सारी चीज़ एक्टिव है भैया उनके खेत में।